नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश 24 के चुनावी माहौल में। यहां हम आपके लिए लाए हैं सबसे ताजा और गरम गरम चुनावी विषयों की चर्चा। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे चुनावी रणनीतियों की, राजनीतिक दलों की चुनौतियों और नागरिकों की अपेक्षाओं पर। तो देखिए चुनावी माहौल से जुड़ी कुछ खास खबरें। तेलंगाना में लोकसभा चुनाव का शोर सुनाई दे रहा है। निजामाबाद लोकसभा क्षेत्र का पारा हाई है। यहां हल्दी किसानों व चीनी मिल मजदूरों का मुद्दा छाया है। यहां बीजेपी के अरविंद धर्मपुरी मौजूदा सांसद हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। तेलंगाना की निजामाबाद लोकसभा सीट से इस वक्त बीजेपी के अरविंद धर्मपुरी सांसद है। उन्होंने 2019 के संसदीय चुनावों में पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को हराया था। निजामाबाद जिले को हल्दी की खेती के लिए जाना जाता है। यहाँ के हल्दी किसान एक दशक से ज्यादा वक्त से कम MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलने से परेशान हैं और इसे लेकर अपनी आवाज बुलंद करते हैं। उनकी मांग है कि एक अलग हल्दी बोर्ड बनाया जाए ताकि वे सही तरीके से अपनी रोजी रोटी कमा सके। हालांकि तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से किए गए वादों के बावजूद हल्दी किसानों की मांग पूरी करने को लेकर कोई कोशिश नहीं की गई। अट्ला नालगे दशाब्दाल कालंगा पशु बोर्ड साधन जरिगिते मा पसुपुकु धर वस्तुंदी निलकडगा उंटुंदी सब्सिडी दोरुकुतायि विత్తనం సలహాలు దొరుకుతాయి అని చెప్పేసి పశు బోర్డు డిమాండ్ ముందుకొచ్చింది। గత 2019 పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో పశు బోర్డు సాధన కొరకు దాదాపుగా దేశంలో ఉన్న అన్ని రకాల అన్ని వర్గాల ప్రజలు రాజకీయ పార్టీలు మా ఆరుమూరు జగిత్యాల ప్రాంతం చూసేటట్టుగా 166 మంది రైతులు నామినేషన్ వేశారు। किसानों के मुताबिक हल्दी की खेती में हर एकड़ करीब 1.5 लाख खर्च करना पड़ता है। ऐसे में सही मुनाफा कमाने के लिए हल्दी का न्यूनतम बिक्री मूल्य 11,000 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने की जरूरत है। इलेक्शन रागने राजकीय नायक पसुपु बोर्ड दिपिस्तामु मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनौंस चेस्तामु अनि चेप्पेसि दाट वेसुकोनि इलेक्शन अयिपोंगने वाळ्ळु వెళ్ళిపోతున్నారు। మళ్ళా మా రైతులందరము రోడ్లు ఎక్కాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతున్నది। 120,000 రూపాయలు మేము ఉల్టాలు నష్టపోయినాం। మేము 1 ఎకరం మండిస్తే 130,000 రూపాయలు ఖర్చు వచ్చేది, 150,000 రూపాయలు ఇప్పుడు ఖర్చు వస్తున్నది। మేము చేతి నుంచి 80,000-90,000 రూపాయలు మేము వేసుకొని నష్టపోయే వాళ్ళం। 40,000-50,000 అవుతున్నాయి। ఇవి ఖర్చులన్నీ చూస్తుంటే ఇవి నిండుతలేదు అనేదే బాగా ఉత్పత్తి పెట్టేటోళ్ళు తగ్గిపోయారు। నేనేం చేస్తుంటే బిగినర పెడుతుంటే 2 బిగాలు పెడుతుంటే ఇప్పుడు ఏం పెట్టకుండా అయిపోయినా ఒక 3-4 సంవత్సరాల నుంచి, ఎందుకంటే పెట్టిన పెట్టుబడి వెళ్తలేదు, మీద పడిపోతున్నాయి। ఇక మీద పడుతున్నదని నేను అట్లా బంద్ చేసుకున్నా। అంటే గవర్నమెంట్ కూడా మాకు ఏం చేయాలంటే కనీసం అంటే అది మినిమం సపోర్ట్ రేట్ మినిమం గిట్టుబాటు ధర మినిమం ధర ఉంటే మాకు ఒక మద్దతు ఉంటుంది, ధైర్యం ఉంటుంది। निजाम डेकन शुगर्स लिमिटेड कारखाने को 2015 के आखिर में कथित तौर पर खराब मैनेजमेंट और गन्ने की कम होती खेती की वजह से बंद कर दिया गया था। इससे कई किसानों और मजदूरों का रोजगार छिन गया था। 1937 में निजाम मीर उस्मान अली खान का बनवाया चीनी कारखाना बोधन में 1600 एकड़ में फैला था। कई साल तक एशिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक का खिताब उनके पास ही था। मजदूर कारखाने को फिर से खोलने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दलों से उनकी उम्मीद खत्म हो गई है। తొందరగా రివైవ్ చేయాలి ఫ్యాక్టరీ, నువ్వు చేసి మా ఫ్యాక్టరీను మా ఫ్యాక్టరీ కార్మికులను 8 సంవత్సరాల ముందు జీతాలు ఇవ్వాలా, మాకు ఉద్యోగ పత్రం కల్పించాలా, ముందు ఇమీడియట్ స్టార్ట్ చేస్తే మాకు ఉపాధి కల్పించండి, మాకు మాకు ఫ్రీజ్ ఇచ్చే కంటే మాకు ఉపాధి ఇచ్చే డబ్బులు ఇవ్వమంటున్నాం మేము, మాకు ఫ్రీగా ఏమి ఇవ్వమంటలేము। కాబట్టి ఇంకా ఈ ఫ్యాక్టరీ ఓపెన్ చేస్తే 3,500 నుంచి 5,000 మంది కార్మికుల దాకా మనం ఉపాధి కల్పించొచ్చండి ఇది। ప్లీజ్ దయచేసి రేవంత్ రెడ్డి వినపిస్తున్నాం ఈ స్టేజ్ మీద నుంచి, మీరు మాకు తొందరగా ఈ రిపోర్ట్ తెప్పించుకొని మా ఎంప్లాయీస్ కు ముందు మాకు బతికియండి, మాకు మాకు జీతాలు ఇయ్యండి। హాల్ కే విధానసభ చునావో కే బాద్ అబ్ తెలంగాణా కి కాంగ్రెస్ సర్కార్ నే ఇస్ ముద్దే కో స్టడీ కర్నే ఔర్ సమాధాన్ ఖోజ్నే కే లియే కమేటీ బనాయి హై।
इस कमेटी को 12 मार्च तक अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन डेडलाइन पार हो चुकी है और अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। కానీ ఏ ప్రభుత్వం వచ్చినా ఏ రాజకీయ పార్టీ వచ్చినా ఎలక్షన్ రాగానే దీన్ని వాడుకొని వదిలేస్తున్నాయి తప్ప బీజేపీ కానీ టీఆర్ఎస్ కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీలు కానీ ఎలక్షన్ ముందర దీన్ని తీసుకొని డ్రామా చేసి మా కార్మికులను వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా పట్టించుకున్న పాపన లేదు. దాదాపు 8.5 సంవత్సరాల వేతనాలు రావాలా, వేతనాలు ఇప్పించాలని గత ప్రభుత్వాలను ఎన్నోసార్లు విన్నవించాం. ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి ప్రభుత్వాన్ని కూడా విన్నవిస్తూనే ఉన్నాం. వీళ్ళు కమిటీ పేరు మీద కాలాపన చేస్తారు, ఎందుకంటే గతంలో 2007 बीजेपी ने अरविंद धर्मपुरी को एक बार फिर इस आस के साथ उम्मीदवार बनाया है कि वह 2019 के अपने प्रदर्शन को फिर से दोहराएंगे। वहीं बीआरएस ने निजामाबाद से पूर्व विधायक बाजी रेड्डी गोवर्धन को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने अब तक अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। तेलंगाना लोकसभा में 17 सांसदों को भेजता है। लोकसभा चुनाव को लेकर एमपी के विंध्य क्षेत्र का चुनावी माहौल बहुत गर्म है। जहां कनेक्टिविटी, बेरोजगारी और विकास खास मुद्दे, तो वहीं नेताओं की वादा खिलाफी से जनता में नाराजगी भी है। बढ़ती आबादी, घटती सुविधाएं यहां की बड़ी समस्या है। बता दें कि इस इलाके में युवाओं की बड़ी जरूरत है रोजगार। इस रिपोर्ट में देखिए। आम चुनाव नजदीक आने के साथ ही महंगाई और बेरोजगारी से जुड़े मुद्दे मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में सबसे आगे हैं। लोगों का कहना है कि सभी राजनीतिक दलों के नेता वादे करते हैं, लेकिन क्षेत्र के मुख्य मुद्दों पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। बढ़ती आबादी और घटती सुविधाएं, ये समस्या केवल सतना की नहीं है बल्कि पूरे देश की समस्या है। रोजगार एक बहुत बड़ी जरूरत है, जिसको लेकर सतना में भी जो युवा है, शिक्षित युवा है या अन्य जो लोग हैं, वो परेशान रहते हैं। विंध्य क्षेत्र के लोगों का कहना है कि बेरोजगारी अहम मुद्दा है, जिस पर सरकार की ओर से ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। उनका मानना है कि बढ़ती बेरोजगारी की वजह से युवा राह भटक गए हैं। सरकार का कोई भी फोकस रोजगार की तरफ बिल्कुल भी नहीं है, केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं और बस हर 6 महीने में कोई ना कोई चुनाव में व्यस्त हो जाते हैं। और किसी भी शहर में, किसी भी जिले में, प्रदेश में, आप कहीं भी देख लीजिए, देश में कहीं भी इतनी बेरोजगारी है, इतने बिना पढ़े लिखे इतने लोग, युवा लोग घूम रहे हैं और वो इसी जब बेरोजगारी के दलदल में फंसते हैं तो फिर गलत काम करते हैं, नशा करते हैं, चोरी करते हैं। और महंगाई इतनी है कि आज आप तेल है, जो जनरली चीज़ें हैं, तेल है, जीरा है, साबुन है, जिनको आप हमेशा यूज करते हैं, वो चीज़ें चौगुना रेट में। रीवा जिले की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, युवा जितने भी हैं वो नशे की तरफ भाग रहे हैं और नशे की वजह से इधर उधर लूटपाट, चोरी, ये सब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। और युवाओं को यदि रोजगार मिले तो व्यवस्थित अपना काम करें। महंगाई की वजह से घर नहीं चल पा रहा है, कुछ युवाएं पढ़े लिख के बेचारे इतना पैसा खर्चा करने के बाद वो घर में बैठे हुए हैं और 10,000-5,000 की नौकरी करते हैं और इतनी महंगाई में 10,000-15,000 में काम, उनका घर नहीं चलता। विंध्य क्षेत्र में कई टूरिस्ट स्पॉट और धार्मिक स्थल हैं। हालांकि लोगों का कहना है कि विकास की कमी की वजह से इन खास जगहों को सही पहचान नहीं मिल पाई। सबसे बड़ा मुद्दा तो विकास का ही है। अब वैसे अब मोदी जी की तो लहर चल रही है, तो कोई भी लड़ेगा भाजपा से तो वो चुनाव तो निकल जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन विकास जो है, तो आज़ादी के इतने साल बाद भी यहाँ विकास नहीं हुआ। सीधी जिले की कोई पहचान बन नहीं पाई। अकेला एक संजय टाइगर रिजर्व है तो वो भविष्य में निश्चित तौर पर, उसका क्षेत्रफल चूँकि काफ़ी बड़ा है, तो वो सीधी जिले को पहचान देगा, नई पहचान देगा। कनेक्टिविटी की कमी इलाके का एक और अहम मुद्दा है। लोगों का मानना है कि बेहतर कनेक्टिविटी के बगैर बदलाव नहीं आएगा। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए पहली सुविधा होनी चाहिए आवागमन की सुविधा। नितांत अभाव है तो रेल लाइन जब तक यहाँ तक नहीं आएगी तब तक किसी प्रकार का विकास नहीं हो सकता। दूसरा, बड़ी इंडस्ट्री आनी चाहिए। जब तक बड़ा उद्योग नहीं आएगा तब तक आप किसी विकास की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि खेती के मामले में भी आप इस क्षेत्र को विकसित क्षेत्र नहीं मान सकते हैं कि यहाँ बहुत अच्छी खेती होती हो।
वहीं विंध्य क्षेत्र के किसानों के मुताबिक कई इलाकों में पानी की कमी और सही तरीके से बिजली की सप्लाई न होने से फसलों की पैदावार पर असर पड़ा है। सतना जिले में किसान सबसे ज्यादा तो परेशान पानी के लिए है। अगर बरगी का पानी आ जाए तो किसान इतना खुशहाल हो जाए कि कुछ पूछे नहीं। नागौद, रेगांव, मझगमा विधानसभा में वाटर लेवल इतना डाउन है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, पानी पीने के लिए नहीं मिल पाता। तो अगर बरगी का पानी अगर आ जाए सतना जिले में तो किसानों के लिए स्वर्ग हो जाए। दूसरी बिजली की समस्या है। बिजली की आए दिन जब सिंचाई का समय आता है तो इतनी ट्रिपिंग होती है, कटौती होती है, जिससे सामर्थियल जल जाते हैं और पर्याप्त सिंचाई नहीं हो पाती है। किसानों का कहना है कि क्षेत्र में बड़ी संख्या में आवारा पशुओं से उनकी फसलों को भी नुकसान होता है। मध्य प्रदेश के एनर्जी हब के तौर पर जाने जाने वाले सिंगरौली के लोग कोयला खदानों से होने वाले प्रदूषण के बारे में भी शिकायत करते हैं। उनके मुताबिक पूरा इलाका हमेशा धूल के बादल में घिरा रहता है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ता है। परेशानी है, धूल उल अभी उड़ रहा है, गर्मी के मामले में आदमी परेशान है। सट के सब घर है, अभी धूल बहुत ज्यादा हो रहा है, पानी पीने का जरूरत है अपने को, पानी की समस्या चाहिए। आप लोग इसे धूल में रहते हैं? हाँ, मतलब ये धूल खाते हैं, धूल हाँ। आपके जब हाँ, सुबह उठते हैं तो कैसा रहता है? हाँ, वो सब दस्त उड़ता है। हाँ, तो अपने को ये अच्छा नहीं लगा, ये रहे कि पानी उनी गिरना चाहिए, व्यवस्था चाहिए। बांध के नीचे मेरा घर है। क्या दिक्कतें होती है गर्मियों में? गर्मियों में ही सर राखड़ उखड़ उड़ता है, तो न खाने का न पानी पीने का, सब हर जगह में घुसता रहता है, तो हम लोग क्या करें बताइए। कितने सालों से परेशानी है? ये तो सर 4-5 साल से है। ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन के बनने को लेकर किसानों में काफी गुस्सा है। उनका आरोप है कि रेलवे अधिकारियों ने जमीन के बदले नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने वादा पूरा नहीं किया। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 2019 के लोकसभा चुनावों में कुल 29 में से 28 सीटें जीतकर जबरदस्त जीत हासिल की थी। 2024 के आम चुनाव अप्रैल और मई के महीने में कराए जा सकते हैं। दो हजार बाईस में परसीमन के बाद बनी लोकसभा सीट रजौरी अनंतनाग में कड़े मुकाबले के आसार हैं। बता दें कि जनता विकास और रोजगार के मौके बढ़ाने की मांग कर रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में हो रहे बदलाव की झलक साफ दिख रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। आगामी लोकसभा चुनावों में रजौरी अनंतनाग निर्वाचन क्षेत्र में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। अलग भौगोलिक और सामाजिक सांस्कृतिक तस्वीर के लिए जानी जाने वाली ये सीट जम्मू कश्मीर की राजनीति में आ रहे बदलाव को दिखाती है। ये लोकसभा सीट 2022 में हुए परिसीमन के बाद बनी। इस लोकसभा क्षेत्र में कश्मीर के अनंतनाग इलाके को जम्मू के पुंछ और राजौरी के साथ जोड़ा गया। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक राजौरी और पुंछ के अनंतनाग में विलय के साथ वोटिंग के तरीके में काफी बदलाव आया है। इलाके में करीब आधी आबादी कश्मीरियों की है, जबकि जीत हार में अहम रोल निभाने वाले पहाड़ी वोटर 28.5% और गुज्जर वोट 21.5% है। अनंतनाग पहले भी एक हसास सेगमेंट माना जाता था, क्योंकि यहां से जो भी रिजल्ट निकलता था उसका इम्पैक्ट पूरे नॉर्थ कश्मीर तक जाता था। तो अब चूंकि डिलिमिटेशन के बाद जो इसकी जो खदुखाल में तब्दीली आई है, इसमें एक नॉर्थ पूल और साउथ पूल का एक रिश्ता बन गया है, इस हवाले से ये बहुत ज़्यादा तजस्सुस में भी है और बहुत ज़्यादा इसमें थोड़ा सा हम कहेंगे कि इम्पैक्ट पड़ गया, बहुत सारा नजरें हैं इस पर, तो और बड़ा मुकाबला भी है। राजौरी अनंतनाग निर्वाचन क्षेत्र के कुछ वोटरों का कहना है कि वे उस पार्टी को वोट देंगे जो इलाके में विकास लाएगी और नौकरियों के मौके बढ़ाएगी। वोटरों ने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की भी मांग की। जम्मू कश्मीर में 5 साल से चुनी हुई सरकार नहीं है। अगस्त 2019 में उसका राज्य का दर्जा खत्म कर उसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। जो हमारा काम करेगा, यहाँ तो डेवलपमेंट हो जाएगा, रास्ते बन जाएंगे, सड़कें बन जाएंगे, बिजली आती है, राशन देंगे, हम उसी को वोट देंगे और किसी को नहीं। काफी टाइम से यहाँ इलेक्शन नहीं हुआ, हम चाहते हैं इलेक्शन होना चाहिए। हाँ, कोई नुमाइंदा है जो हमारे पास नुमाइंदा आएंगे ना,
हम उसी को वोट देंगे जो हमारा काम करेगा यहाँ अश्वकाम में। खास का रीजन रहेंगे डेवलपमेंट और बेरोजगारी। नौजवान देखो हर एक घर में दो दो चार चार MSCM फिल करके बच्चे डिग्रियां करके अनएम्प्लॉय है और माँ बाप के कंधे पे बोझ ही है अभी। अगर कुछ ना कुछ गवर्नमेंट इनके लिए राहत की कोई पैकेज लाए कि इनके लिए कोई पैकेज लाए तो तब लगता है कि गेन कर सकता है, वो पार्टी गेन कर सकती है। इसके लिए इलाके के कुछ वोटरों को नेताओं के लिए वादों पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। उनका कहना है कि इन नेताओं के किए गए वादे कई बार अधूरे रह गए। आम का वोट किसी को नहीं करता है आज तक, तो मगर बाकी तो लोकल लोग तो करते हैं, आवाम करेगा वो, हम किसको करेंगे? हमारे पास डेवलपमेंट नहीं है, हमारे पास नौकरी नहीं है, यहाँ कोई चीज नहीं है। मेरे बिजली बिल यहाँ तो यहाँ मीटर लगा हुआ है, गरीब गरीब को दो दो हज़ार तीन तीन हज़ार रुपये बिल आते हैं, बाकी आवाम को कुछ नहीं। आवाम उसकी उस वक्त चाहिए जिस वक्त इलेक्शन। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी ने 2019 के चुनाव में अनंतनाग लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी। किसी भी राजनीतिक दल ने अब तक राजौरी अनंतनाग निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। जम्मू कश्मीर से 5 सांसद लोकसभा में जाते हैं। 2019 में इनमें से 3 सीटें जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और 2 सीटें बीजेपी ने जीती थी। 18वीं लोकसभा के चुनाव अप्रैल और मई के महीने में कराए जा सकते हैं। राजस्थान में लोकसभा चुनाव का माहौल पूरी तरह से बन चुका है। उदयपुर सीट पर BSP के एंट्री से मुकाबला दिलचस्प बना दिया है, जिसने नए समीकरण बनते जा रहे हैं। जीत के लिए उम्मीदवारों में जोर आजमाइश जारी है। बता दें कि मेवाड़ डिवीजन की उदयपुर अहम लोकसभा सीट है। इस रिपोर्ट में देखें। राजस्थान में पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के बाद राज्य के 2 बड़े राजनीतिक दल BJP और कांग्रेस अब पूरी ताकत के साथ लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस चुके हैं। BJP यहां राज्य की सभी 25 सीटें जीतकर हैट्रिक बनाने की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस उसकी बादशाहत को खत्म करने की आस लगाए है। उदयपुर लोकसभा सीट मेवाड़ डिवीजन की 4 सीटों में से एक है। इसमें 4 जिलों उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और हाल ही में बनाए गए सलूनबर के 8 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। 32 लाख से ज्यादा वोटरों वाली इस सीट के करीब 81% मतदाता ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। इस लोकसभा क्षेत्र के 60% से ज्यादा वोटर SC/ST समुदाय के हैं, बाकी वोटर सामान्य और OBC समुदाय के हैं। उदयपुर लोकसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। यहां BJP और कांग्रेस के बीच जीत हासिल करने की होड़ लगी है। हालांकि भारत आदिवासी पार्टी की एंट्री ने तस्वीर को बदल दिया है और अब वो भी जीत की ताल ठोक रही है। माना जा रहा है कि BAP में वोटों को बांटने की ताकत है। पार्टी ने 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनावों में सलूनबर और खेरवाड़ा के विधानसभा क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया था। सबसे बड़ा मुद्दा जो मुझे दिखाई पड़ता है वो नया जिला सलूनबर का है। नया जिला बना है तो उस सलूनबर जिले की जो कायाकल्प होना भी शेष है। मैंने अभी पिछले दिनों सलूनबर का दौरा किया, वो एक कस्बाई मानसिकता वाला कस्बा है, लेकिन ऐसे में वहाँ पर अभी जिले जैसी ग्लोरी या जो जिले जैसी जो आभा दिखनी चाहिए वो नहीं है। तो वहाँ के लोगों में एक निश्चित तौर पर एक अनुमान लगाया जा सकता है या अपेक्षा की जा सकती है कि हमारा जिला विकसित हो और महत्वपूर्ण तरीके से उदयपुर लोकसभा सीट के पटल पर दिखाई पड़े। जनजाति समुदाय के अहम मुद्दों में पेसा अधिनियम के तहत जल, जमीन और जंगल के अधिकारों के साथ उनके इलाकों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाना शामिल है। स्थानीय मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाने चाहिए, खासतौर से जो आदिवासियों के विषय हैं, जिसमें बहुत बड़ा एक सवाल है वो उनके विस्थापन का है। हर बार उनको रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है और उनके जो जंगल और ज़मीन के अधिकार हैं, जल का अधिकार है, पेसा एक्ट है, इन सबको फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, इन सब को कितनी अच्छी तरह से लागू करके उनके हितों की रक्षा की जा सकती है, मुझे लगता है कि दोनों ही प्रत्याशियों को इन पर गंभीरता से बात करनी चाहिए। उदयपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के वोटरों का अहम मुद्दा टूरिज्म बिजनेस से जुड़ा है। उनकी मांग है कि इलाके के ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों के टूरिज्म से जोड़ा जाए, साथ ही वे यहाँ के एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने, रेल सर्विस बढ़ाने
हाई कोर्ट बेंच बनाने और उदयपुर शहर को बी कैटेगरी का दर्जा देने की मांग कर रही हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो सकते हैं, ऐसे में यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए समर्थन दिख रहा है। चाहे कोई भी मुद्दे रहे हो, हमने अब तक के देखे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड जब लागू होगा तो अलग अलग तरह के कानून नहीं रहेंगे, एक तरह का कानून हो जाएगा, तो वो भी सबके जनहित में रहेगा और सबको समान अधिकार मिलेंगे, समान कानून होगा, तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। वहीं धारा 370 का मामला है, अयोध्या में राम प्रभु की जो बात है वो बात कह लो, या हर तरीके से हम कहें कि हम जो जनता वास्तव में चाहती है, हम जो चाहते हैं वही तो हो रहा है, तो हम उन्हें वोट क्यों ना करें जो हमारी चाहत के अनुरूप हमें, हम जो चाहते हैं वो रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं। मैं वोट कास्ट करने से पहले सबसे पहले देखूंगा मेरा इंडिया का नाम फॉरेन में कितना फेमस है, क्या लोग इतने बड़े बड़े लोग इंडिया का नाम ले रहे हैं, इंडिया की वैल्यू कितनी है। फिर इसका सेकेंडली देखूंगा कि इंडिया में कितना रोड नेटवर्क कितना अच्छा हुआ है, और थर्ड मैं देखूंगा अब कि पब्लिक का डीलिंग कैसी, आपकी पब्लिक के इमोशंस का जुड़े हुए नहीं हुए, आपके पब्लिक का काम हो रहा है नहीं हो रहा है, इस ये मुद्दे रहेंगे देखने के लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी व्यापारी की ये है कि हम छोटे कस्टमर हैं और हमारा जो व्यापार का जो तरीका है, जो कस्टमर आता है रहता है और हमारा पूरा व्यापार को ऑनलाइन खत्म कर दिया है, और इतनी बड़ी सरकारें आई है, सब काम हिंदुस्तान में अच्छा हो रहा है, नरेंद्र मोदी का नाम ये जो कार्य कर रहे हैं वो अच्छा कर रहा है, उन्होंने व्यापारी के लिए कुछ नहीं सोचा है। कभी कांग्रेस का गढ़ रही उदयपुर लोकसभा सीट पर पिछले 3 दशकों से बीजेपी का दबदबा रहा है। यहां के ज्यादातर वोटर जनजाति समुदाय से जुड़े हैं, जिनके बीच बीजेपी ने अच्छी पकड़ बना ली है। 2014 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी के अर्जुन लाल मीणा ने कांग्रेस के रघुवर सिंह मीणा को हराया था। वहीं 2019 में अर्जुन लाल मीणा ने कांग्रेस उम्मीदवार को लगभग 4,38,000 वोटों के अंतर से हराया था। उदयपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस ने इस बार नए उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी की तरफ से इस सीट पर मन्नालाल रावत चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने ताराचंद मीणा को मैदान में उतारा है। तो 24 के चुनावी माहौल में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए केएनयू इंडिया। नमस्कार।